हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो 9:30 बज रहे हैं तो अभी सुबह हो रखी है। और हम लोग का कल प्लान बना कि खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन करने चलते हैं। तो आज पैकिंग वगैरह सब हो गई है और आज का व्लॉग यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आगे का व्लॉग जयपुर पहुँच करके, जहाँ खाटू श्याम जी बाबा का दरबार है, वहाँ से 100 किलोमीटर लगभग पड़ता है जयपुर से। तो वहाँ पर जा करके बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए पहले जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब रावतपुर स्टेशन से टिकट लेके चलते हैं जयपुर के लिए। यहाँ ही पर ट्रेन आएगी इसी प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। और एक भाई ये देख सकते हो, भाई साहब रजनीकांत रोबोट वाले स्टाइल में चश्मा पहन के खड़ा भाई ट्रेन रोकने के लिए। अभी हम गाइस आए थे माता रानी के मंदिर, एक यहाँ पे है मंदिर, तो वहाँ पे घूमा। और ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे बना है, तो हम आपको ऊंचाई अगर इसकी दिखाएं तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्लाई ओवर भी बन रहा है, कितना तगड़ा खूबसूरत सा। और ये नीचे गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं और ये लगभग हम लोग 5-6 मंजिल पर तो खड़े ही हैं एटलीस्ट। ट्रेन के बेहतरीन सफ़र के बाद अब हम पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन, जयपुर स्टेशन में। और अब यहां से ऑटो वगैरह लेंगे और फिर चलते हैं बस स्टैंड, जो कि खाटू श्याम जी के लिए बसें जाती हैं। और ऑटो ले लिया है हमने और काफ़ी सारा जाम लगा हुआ है, क्योंकि सभी लोग जो जा रहे हैं दर्शन करने वो यहीं से जाते हैं डायरेक्ट ट्रेन से आने के बाद। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं बस स्टेशन पर और ये बस, तो इसी से हम लोग चलेंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने। तो अभी गाइस बारिश हो गई यहाँ पे और इसके बाद आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं जय श्री श्याम। और बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है। ये जो झंडे आप देख रहे हैं इनको निशान बोला जाता है, ये चढ़ते हैं अंदर जा कर के भगवान जी पे, तो इनको ले लेते हैं पहले हम भी एक, इसके बाद अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। गाइस पूरे भारत से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, तो भीड़ आप देख सकते हो नेक्स्ट लेवल वाली भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा है। अभी आगे और भीड़ मिलेगी। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों की दुकान है, खिलौने वगैरह हैं, राजस्थानी खिलौने जो मिलते हैं। और बगल में शॉप ये प्रसाद की लगी हुई है, यहाँ पे चिवड़ा चढ़ता है और लड्डू वगैरह भी चढ़ते हैं। और अब हम आज पहुँचे हैं जहाँ से रेलिंग्स स्टार्ट होती हैं और सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं। अभी यहाँ से भी 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, 1.5 किलोमीटर है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लाइन में लगना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सभी लोग निशान लिए हुए हैं, जो झंडे हम लोगों ने लिए थे और सब लोग चढ़ाते हैं, ये पहले ही चढ़ जाते हैं यहाँ पर पे, ले लिए जाते हैं। अंदर जाके आपको चढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा श्याम जी के पास में। और इसके आगे आप देख सकते हो LCD, जो LED लगी है TV, उसमें डिजिटल पूरा दिखता है, जहाँ बाबा हैं तो पूरा उनका लाइव व्यू दिखता है। ये देखिए हेलीकॉप्टर वाला पंखा बहुत तेज़ हवा देता है, इसलिए इसको धीमे धीमे चलाया जाता है। और कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं सामने। और बारिश तो जब से हम लोग आए तब से हो रही है, एकदम नेक्स्ट लेवल वाली झमाझम झमाझम बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये भैया गुलाब दे रहे हैं, गुलाब भी आगे चढ़ते हैं भगवान को, बाबा को। और ये हमारे शेखर भाई जो कि साथ में ही आए हैं। और यहाँ पर हम आपको कराते हैं लाइव दर्शन, यहाँ इस LED में आप देख सकते हो पूरा आपको लाइव देखने को मिलेगा। जिनका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, बस टाइम आ गया है, सामने ही बाबा हैं और हम लोग जैसे लाइन से आगे बढ़ेंगे वैसे ही हम लोग को दर्शन हो जाएंगे। और ये लीजिए जय श्री श्याम, जय बाबा की, आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं हमारे व्लॉग के जरिए। तो गाइस फाइनली अभी दर्शन हो चुके हैं और अब निकलेंगे वृंदावन के लिए, जहाँ तक शाम की ट्रेन है। और ये देख सकते हो आप बाहर का व्यू है, वापस से चलते हैं, थोड़ा सामान वगैरह भी ले लेते हैं। अब हम आ गए हैं श्याम कुंड में, जहाँ पे पानी अपने आप आता है और यहाँ सब लोग पानी से दर्शन करने आते हैं और अपने ऊपर पानी छिड़कते हैं थोड़ा। और श्याम बाबा की मूर्ति यहाँ पर भी है और ये आपको बहुत कम लोगों ने दिखाया होगा यहाँ का जो वीडियो है, क्योंकि कैमरा ले जाना मना है। और सामने देख सकते हो आप लोग रेनबो, बारिश के बाद पूरा रेनबो।
हे गाइस, तो आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और चैनल को जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में वृंदावन के, तब तक के लिए बाय बाय।